का हो या BEU का एग्ज़ाम हो, या फिर अगर साइंस वर्क से जो बच्चे BEd की परीक्षा देना चाहते हैं वो छात्र हों, ये सब जो बैक्टीरिया से संबंधित यहाँ पे बातें बताई गई हैं आपके आगामी आने वाले सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि पहला प्रश्न कौन सा है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न है, प्लाज्मिड जो ड्रग प्रतिरोध उत्पन्न करता है क्या कहलाता है, या सिंपली हम कह सकते हैं कि प्लाज्मिड होता क्या है। तो ऑप्शन ए है एफ फैक्टर, बी है कल फैक्टर, सी है TI प्लाज्मिड और डी है R फैक्टर। तो दोस्तों जो प्लाज्मिड जो ड्रग प्रतिरोध उत्पन्न करता है उसे हम R फैक्टर कहते हैं, या रेसिस्टेंट फैक्टर भी कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट होगा। ये सारे प्रश्न विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, देख लीजिए सेम वही प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि प्लाज्मिड होता क्या है। तो नए प्रकार के सूक्ष्म जीव, ऑप्शन यहाँ पे है कि प्लाज्मिड क्या होता है, ऑप्शन ए है नए प्रकार के सूक्ष्म जीव, बी है जीवाणुओं में गुणसूत्रों के अतिरिक्त पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल, सी है बैक्टीरिया का आनुवंशिक पदार्थ और डी है विषाणु के प्रकार। तो दोस्तों जो प्लाज्मिड होता है वो जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया का जो होता है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी जीवाणुओं में गुणसूत्रों के अतिरिक्त पाया जाने वाला ये एक प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कई बार आपके ये विभिन्न प्रकार के जो परीक्षाएं हैं उनमें पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक छोर पर कसाब के एक गुच्छे वाला जीवाणु क्या कहलाता है। कसाब का मतलब यहाँ पे होता है फ्लैजिला। तो ऑप्शन ए है मोनोट्राइकस, बी है लोफोट्राइकस, सी है एम्फीट्राइकस और डी है पेरीट्राइकस। तो सबसे पहले हम इन चारों ऑप्शन के बारे में जानते हैं कि मोनोट्राइकस क्या होता है, लोफोट्राइकस क्या होता है, एम्फीट्राइकस क्या होता है और पेरीट्राइकस क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे जो फ्लैजिला होते हैं इन्हीं की उपस्थिति के आधार पर जो है बैक्टीरिया को विभिन्न समूहों में बांटा गया है, विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मोनोट्राइकस, मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया के अगर एक सिरे पे हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं पहला सिरा ये है और दूसरा सिरा ये है, तो बैक्टीरिया के अगर एक सिरे पे सिर्फ एक फ्लैजिला अगर निकला हो, ये फ्लैजिला निकला है एक सिरे पे, तो इसे हम मोनोट्राइकस कहते हैं, ये आपका मोनोट्राइकस हो गया। अब लोफोट्राइकस हम लोग देखते हैं, ये लोफोट्राइकस है और एक बैक्टीरिया का सिरा ये है, दूसरा सिरा ये है। अब लोफोट्राइकस में होता क्या है कि दोनों सिरे पर फ्लैजिला के गुच्छे होते हैं, तो ये एक सिरा हो गया, इस यहाँ पे फ्लैजिला का गुच्छा बना दिया, दूसरा सिरा ये है, यहाँ पे फ्लैजिला का गुच्छा बना दिया। तो कहने का मतलब यह है कि जो लोफोट्राइकस बैक्टीरिया होता है उसमें जो फ्लैजिला होता है वो बैक्टीरिया के दोनों सिरे पर गुच्छों में होते हैं, या अगर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फ्लैजिला जो होता है दोनों सिरे पर गुच्छे में होगा या सिर्फ एक ही सिरे पर जो है वो गुच्छे में होगा। तो यहाँ पे अगर ऐसे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे आंसर जो बी होगा वो करेक्ट होगा, लेकिन चारों ऑप्शन हम लोग समझ लेते हैं। अब तीसरा हम लोग देखें एम्फीट्राइकस क्या होता है। अब मान लीजिए बैक्टीरिया है, पहला सिरा हो गया, ये दूसरा सिरा हो गया, तो एम्फीट्राइकस में होता क्या है कि जो दोनों सिरे होते हैं उन पर सिर्फ एक एक ओनली सिंगल फ्लैजिला होता है, तो एक फ्लैजिला ये हो गया और दूसरा ये हो गया, तो ये आपका जो है वो एम्फीट्राइकस हो गया। नेक्स्ट है पेरीट्राइकस, पेरीट्राइकस का मतलब ये होता है कि बैक्टीरिया के पूरे
हम यूं कह लें कि पूरे शरीर पे जो है वो फ्लैजिला होता है। जैसे ये मान लीजिए बैक्टीरिया है और उसके ये पूरे बॉडी पे जो है ये फ्लैजिला हो गया, तो इसको हम पेरी ट्राइकस कहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इसको आप समझिएगा, और इन चारों ऑप्शन से लेकर के चार प्रकार के प्रश्न बनते हैं, और ये चारों प्रश्न कई बार परीक्षा में जो है पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए इनको अच्छे से समझ लीजिएगा कि मोनोट्राइकस क्या होता है, एम्फी लोफो और पेरीट्राइकस क्या होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न यह है कि जीवाणु जिनमें एक सिरे पर गुच्छे में कशाब होते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन ए है लोफोट्राइकस, बी है एम्फीट्राइकस, सी है सिफेलोट्राइकस और डी है पेरीट्राइकस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी होगा दोस्तों वो करेक्ट होगा, सिफेलोट्राइकस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि दूध से दही किसके द्वारा बनता है? तो ऑप्शन ए है एसिटोबैक्टेरियासिटी, बी है बैसिलस मेगाथीरियम, सी है जेंथोमोनास सिट्राई और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन डी होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये करेक्ट होगा। क्योंकि जो दूध होता है, तो जो दूध से दही उत्पन्न करने वाले जो जीवाणु होते हैं उन्हें हम स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में कहीं दिया नहीं हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एंटीबायोटिक शब्द किसने दिया था? तो ऑप्शन ए है फ्लेमिंग, बी है वाक्समैन, सी है फंक ने और डी है जेनर ने, एडवर्ड जेनर ने। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका बी होगा वाक्समैन, वो करेक्ट होगा। जो वाक्समैन थे इन्होंने ही एंटीबायोटिक शब्द का प्रतिपादन किया था, और स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक जो एंटीबायोटिक होता है यही वाक्समैन थे जिन्होंने इसका निर्माण किया था। लेकिन अगर हम एंटीबायोटिक की खोज का श्रेय किसे देना चाहें, या यूं कहें कि सर्वप्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की, तो वो फ्लेमिंग नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एंटीबायोटिक की खोज की थी। तो यहाँ पे चूंकि शब्द पूछा है कि एंटीबायोटिक शब्द किसने दिया था, तो वाक्समैन ने दिया था। अगर यहाँ पे प्रश्न होता कि एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी, तो ऑप्शन यहाँ पे फ्लेमिंग होता। तो यहाँ पे जो आंसर जो प्रश्न पूछा गया है उसका ऑप्शन जो होगा यहाँ पे वाक्समैन करेक्ट होगा। जो फ्लेमिंग थे इन्होंने पेनिसिलिन, आपने सुना होगा, नामक एंटीबायोटिक जो है फ्लेमिंग ने ही बनाया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिनका नाम है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन में मुख्य भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन यहाँ पे है राइजोबियम, बी है लैक्टोबैसिलस, सी है स्यूडोमोनास और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन ए होगा राइजोबियम, ये करेक्ट होगा। जो राइजोबियम होता है ये लेग्यूमिनेसी जो फैमिली होती है इनके पौधों की जड़ों में जो है ये सहजीवी के रूप में रहता है, निवास करता है तथा वहाँ पर जो है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया में भाग लेता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, जेंथोमोनास सिट्राई निम्न के लिए एक रोग कारक जीव होता है? तो ऑप्शन ए है सेब में फायर ब्लाट रोग, बी है आलू में विल्ट रोग, सी है सिट्रस कैंकर रोग और डी है येलो ईयर रॉट ऑफ गेहूं। तो यहाँ पे दोस्तों जो ऑप्शन यहाँ पे सी होगा सिट्रस कैंकर, वो करेक्ट होगा। जेंथोमोनास सिट्राई जो होता है वो सिट्रस कैंकर काज करता है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सिट्रस कैंकर रोग उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन है स्यूडोमोनास,
बी है जेंथुमोनास, सी है बैसिलस और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो सिट्रस कैंकर रोग होता है वो जेंथोमोनास सिट्राई नामक जीवाणु द्वारा होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी होगा जेंथोमोनास वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है जीवाणु से होता है। ऑप्शन ए है विषाक्त भोजन, बी है मनुष्यों में रोग, सी है पौधों में रोग और डी है उपर्युक्त में से सभी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा, क्योंकि जो जीवाणु होते हैं उनसे क्या होता है, उनसे फूड पॉइजनिंग भी होती है, ह्यूमन डिजीज भी होते हैं, प्लांट में भी डिजीज होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। निम्न में से कौन बिना किसी विशिष्ट आकृति का होता है? तो ऑप्शन ए है साइनोबैक्टीरिया, बी है माइकोप्लाज्मा, सी है जीवाणु और डी है बैक्टीरियोफेज। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन आपका बी होगा माइकोप्लाज्मा ये करेक्ट होगा, क्योंकि ये जो होता है इनकी आकार जो होती है अनियमित होती है। कभी कभी ये जो होते हैं गोलाकार होते हैं, कभी ताराकार होते हैं। तो इनकी जो शेप होते हैं, जो इनकी आकृति होती है वो इरेगुलर होता है, बदलता रहता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका बी होगा वो करेक्ट होगा माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 12 है जीवाणु उपयोगी होते हैं किसके लिए? ऑप्शन ए है प्रतिजैविकी जिसे एंटीबायोटिक्स कहते हैं को बनाने में, सीरम और वैक्सीन बनाने में, सी जो दिया है ऑप्शन दही बनाने में और डी यहाँ पे ऑप्शन दिया है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे जीवाणु के उपयोगिता के बारे में बात की गई है। तो जीवाणु जो है इन सभी के लिए उपयोगी होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो डी होगा वो करेक्ट होगा। दोस्तों ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और कई बार जो है ये प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो इन प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। इससे बाहर बैक्टीरिया से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो इससे बाहर नहीं आते हैं, यहीं से सारे प्रश्न आपके मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है जीवाणु होते हैं एक कोशिकीय यूनिसेलुलर, दूसरा है बाईसेलुलर, तीसरा है मल्टी सेलुलर और चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं यानी एक कोशिकीय जीव होते हैं। और आप जानते भी होंगे कि बैक्टीरिया की खोज जो है हॉलैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम एंटनी वान लेवनहाग था, इन्होंने की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि भोजन की विषाक्तता किसके कारण होती है? यानी हम अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो फूड पॉइजनिंग किसके कारण होती है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे है क्लास्ट्रिडियम बाटुलिनम, बी है साल्मोनेला टाइफोसा, सी है क्लास्ट्रिडियम टिटेनी और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो फूड पॉइजनिंग होती है, आप बार बार सुनते होंगे कि फूड पॉइजनिंग से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो फूड पॉइजनिंग जो होती है वो एक बैक्टीरिया के कारण होती है जिसका नाम है क्लास्ट्रिडियम बाटुलिनिज्म। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए होगा वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 15वां। बाटुलिनिज्म क्या है? तो ऑप्शन ए है परजीवी जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न जंतुओं का एक रोग, बी है परजीवी जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न पौधों का एक रोग और सी है क्लास्ट्रिडियम नामक मृतोपजीवी जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न भोजन विषाक्तता। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट होगा। बॉटुलिज्म जो है इसके कारण फूड पॉइजनिंग होती है, भोजन विषाक्तता उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बाटुलिज्म का
जीवाणु है। ये तीसरा प्रश्न उससे संबंधित है। इसके पहले आपने देखा कि दो प्रश्न भी लगातार बाटुलिज्म से संबंधित थे, तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख के बता सकते हैं कि कौन सा इसका आंसर सही होगा। तो एक बार फिर से हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ए है स्ट्रेप्टोकोकस, बी है स्यूडोमोनास, सी है बैसिलस और डी है क्लास्ट्रिडियम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट होगा। क्लास्ट्रिडियम बाटुलिज्म के कारण जो है फूड पॉइजनिंग होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है। प्रोपियोनी बैक्टीरियम से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है विटामिन B12, बी है लैक्टिक एसिड, सी है सिट्रिक एसिड और डी है विटामिन B6। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए होगा विटामिन B12 वो करेक्ट होगा। जो प्रोपियोनी बैक्टीरियम होता है उससे B12 का जो है व्यापारिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। जीवाणुओं में श्वसन क्रिया का स्थान होता है, या यूं कहें कि जीवाणुओं में श्वसन क्रिया किसके द्वारा होती है, रिस्पायरेशन, या जीवाणु रिस्पायरेशन जो है किसके द्वारा करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे एपिसोम, बी है माइक्रोसोम, सी है मीजोसोम और डी है राइबोसोम। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है और ये बहुत ही फेमस प्रश्न है। तो इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पे सी होगा, मीजोसोम्स। मीजोसोम्स के द्वारा ही बैक्टीरिया जो है श्वसन क्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है कि जीवाणुओं में श्वसनीय एंजाइम पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए प्लाज्मिड पर, बी है एपिसोम पर, सी है मीजोसोम पर और डी है न्यूक्लियो न्यूक्लियाइड पर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी होगा, मीजोसोम्स पर श्वसनीय एंजाइम पाए जाते हैं या रेस्पायरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धान के खेतों का सबसे सामान्य नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया कौन सा है। तो ऑप्शन ए सिलेंट्रोस्पर्मम, बी है आलोसाइरा, सी है एसिलोटोरिया और डी है नॉस्टॉक। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन आपका बी है आलोसोरिया वो करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 21 है कि क्राउन गॉल डिजीज किसके कारण होता है। तो ऑप्शन ए है माइकोबैक्टीरियम, बी है एग्रोबैक्टीरियम, सी है अर्विनिया और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो पौधे में क्राउन गाल का जो डिजीज होता है वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस नामक एक बैक्टीरिया होती है उसके द्वारा उत्पन्न होता है। यहाँ पे जो ऑप्शन बी होगा वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कोढ़ का कारक है, या हम यूँ कहें कि लेप्रोसी जो है किसके कारण होता है। तो ऑप्शन ए देखिए लेप्टोस्पोरा इसिटेरो हेरगी और बी है ट्रेपोनेमा पैलिडम, सी है क्लास्ट्रिडियम लेप्रे और डी है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन बी सॉरी डी होगा, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी लेप्री के द्वारा जो है लेप्रोसी यानी कोढ़ रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। PPLO है। तो ऑप्शन ए है यूकैरियोटिक सेल्स, बी है प्रोकैरियोटिक सेल, सी है नाड़ी कोशिका और डी है प्लांट सेल। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन बी होगा प्रोकैरियोटिक कोशिका या प्रोकैरियोटिक सेल वो करेक्ट होगा। और PPLO के बारे में एक बात और आपको बता दूं कि जो PPLO होता है यह सबसे छोटी ज्ञात कोशिका माना जाता है और इसमें जो है सेल वाल नहीं होती है, या यूं कहें कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है तो आप क्या कहेंगे, PPLO। तो इस प्रश्न को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो ऑप्शन पहले देख लेते हैं, बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 24 डिप्लोकोकस न्यूमोनी में रूपांतरण की खोज किसने की थी। रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन की खोज किसने की थी। ये प्रश्न जो है
पिछले बार जो एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था तो वहाँ भी ये प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन ए देख लीजिए फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने, बी देखिए फ्रोबिशर और ब्राउन ने, सी है एवरी और मैकलियॉड ने, और डी है एम मैकार्टी ने। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन ए होगा फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने डिप्लोकोकस न्यूमोनी में ट्रांसफॉर्मेशन की या यूँ कहें रूपांतरण की खोज की थी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी जीवाणु है। तो ऑप्शन ए है नाइट्रोबैक्टर, बी है नाइट्रोसोमोनास, सी है राइजोबियम और डी है क्लास्ट्रिडियम। तो दोस्तों जो आंसर होगा वो यहाँ पे राइजोबियम करेक्ट होगा, क्योंकि जो राइजोबियम होता है वो सिम्बायोटिक रूप में पाया जाता है, सहजीवी के रूप में पाया जाता है, और इसी रूप में वो जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और अन्य सभी जीवाणु जो होते हैं वो स्वतंत्र जीवी होते हैं या यूं कहें फ्री लिविंग होते हैं, लेकिन जो राइजो